सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्धी 96.4। रेडियो सान्धी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ज रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ज पर कार्यक्रम स्थानीय सरोकार सुन रहल बानी। स्थानीय सरोकार के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी सन आज भी हमनी और कार्यक्रम स्थानीय सरोकार अपने एगो विषय पर बातचीत और एगो विषय पर बातचीत करला एक जने अतिथि से उ विषय पर चर्चा परिचर्चा सुनत आइल बानी। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज के साथे www.radiosanvi.com मार्फत भी सुन सकतानी। साथे रेडियो सानवी के फेसबुक पेज से भी अपने कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाइव सुन सकतानी संसार के कोनो भी कोना में। और आज भी एक जने अतिथि के साथ में और कार्यक्रम के साथ में उपस्थित बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता राम मंडल प्रविधि ओर से सानू जी बानी। आज के कार्यक्रम के अतिथि के बारे में बता दी बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 26 के वडा अध्यक्ष शंभु मिश्र बानी हमनी के आज के अतिथि। खास करके महानगर पालिका के विकास के बारे में बातचीत करम सन वडा नंबर 26 के विकास के बारे में बातचीत करम सन और वहाँ से संपर्क भी हो चुकल बा। खास करके हमनी के सहकर्मी सानू जी कह रहल बानी कि संपर्क में आ चुकल बानी शंभु मिश्र जी। शंभु सर कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद कार्यक्रम में हमरा के बोलौनी ओकरा खतरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि वार्ड नंबर 26 के बात कर जाओ खास करके अभी तक ले विकास निर्माण के गतिविधि थोड़ा सा बता देवल जाओ। जनप्रतिनिधि लोग के अला 3.5 बरस से बेसी बीत चुकल अब तक खास में विकास निर्माण के सारा काम कर दिले होके लगन की बाकी बा। जी जी हमरा वार्ड के तो विकास निर्माण काम में अब कावा की जे अभी जोन हमने के 60 लाख रुपया जोन महानगर पालिका जोन विनियोजित कैले रख हुए ओमे से करीब 70% के हम विकास कार्य कर चुके हैं। अभी जारी ही बाटे जैसे रोड नाला ये काम हम कर कने विशेष हम प्राथमिकता जैसे कहा हो कि हमने के जोन ये 11 गो गावी से जोन महानगर पालिका में गांव के महानगर पालिका में जोन बनौलक तो महानगर पालिका में लेलक तो बिना पूर्वाधार के मिललक बिना पूर्वाधार के लेके ना हम के सदर मुकाम जोड़े वाला ना कोनो पिच रहे ना ढलान रहे ना वैसे असुविधाजनक रहे बहुत असुविधाजनक के अवस्था में हमने के 11 गो जोन गांव लेलक महानगर पालिका में ओकरा के हमने के लगभग विकास निर्माण के तो ज्यादा हमने के ढलान में नाला में विशेष प्राथमिकता ओकरा बाद में स्वास्थ्य में शिक्षा में सब में हम विशेष करके जोड़ दे के विकास निर्माण करत हम आइल बनी अपना वार्ड में। जी जैसे कि 70% कहनी है कि बजट लगभग खर्च हो चुकल बाटे आवे वाला साल तक बाकी थप 30% भी बजट खर्च हो जाए। खास करके इस 70% में ई वर्ष में आर्थिक वर्ष में कौन कौन चीज के विकास पर ध्यान दे ले रहे हैं? जैसे हम विशेष ढलान के और नाला के ही रख ले बनी यानी कि भौतिक संरचना के विकास पर वो कमजोर रहला खास करके कमजोर रहला हुआ जैसे अपने के ना बतौनी हम जे 11 गो जोन गांव लेलक वो तो बिना पूर्वाधार के नु रहे महानगर काल में लेलक तो विशेष करके तो हम कहते हैं रोड के लोग के नाला रोड भी चाहिए एकदम जरूरी बटे ओकरा साथ साथ में शिक्षा भी चाहिए स्वास्थ्य भी चाहिए इस सब तो चाहिए तो स्वास्थ्य में भी हम विशेष ध्यान देवेनी शिक्षा में भी ध्यान देवेनी विशेष करके हम रोड नाला में ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि अब रोड नाला जैसे कि अपने के कार्यकाल कहल जाओ ना अभी 1.5 बरस लगभग बाकी बात 2 बरस चुनाव आयो में उतना में सारा रोड नाला लगभग स्तर उन्नति होके या फिर नया बन के तैयार होई कि और भी अपने के समय देवे के परी जनता के जैसे विकास करें। हम रेडियो शांग्रीला के माध्यम से अपने लंग के माध्यम से तो कितना आदमी के रहेला कि जे कागजी बनावट रहेला बुझल गई आ हम अपने के अगर ये रेडियो के मार्फत से जे भी सुनत होके
चाहे अपने भी सुनता नहीं, निरीक्षण भी कर सकता नहीं। जी जी। हमारा गांव में 90% रोड नाला के विकास कर देल, 10% जोन बाकी बटे। हमारा गांव में अपने के पैदल घूम लेवल जाई तो लगभग रोड नाला के ऐसे मिली। 90% हम कर चुकल बानी, 10% जोन बाकी बा। चाहे वो सघन शहरी विकास से होके, चाहे प्रदेश से मांग के होके, चाहे केंद्र से मांग के होके, या महानगर पालिका के बजट की यूटिलाइज करके होके, हाँ इतना विकास हम कैले बनी जौन की अपने अपने देख सकल जाई चल के गांव में, अपने निरीक्षण भी कर सकते हैं कि वास्तव में 26 नंबर के वड़ा देश रेडियो में फटाई करता रहन की क्वेश्चन करता रहन देखला से भी हुई। अपने के वड़ा में सुगौली और एगो कौन गांव बाटे, अठराहाटो, दुगो गांव पर दुगो गांव पर जौन की हम सदर मुकाम से जोड़े वाला, जैसे अलौंग चौक से सीधे अठराहा होते हुए पुलिस चौकी तक में बुझल, हमने पूरा पीच हम सघन शहरी के योजना ले जाके अपने के जनता से आग्रह करके। आजकल तक का हो गए 16 फीट के रास्ता रहे, 22 साल में 10 फीट के रास्ता रहे। जी जी। रोड हमारा बनावे के बटे, अभी तो कैला से बेसी करवावल कठिन बटे, तो लोग से निहरा करके अभी तो 13 फीट लगभग देवे के पड़ता है। अभी 30 फीट के हम बनौले बन, 13 फीट में के हम तो 30 फीट के रास्ता ही कर ले बनी, 30 फीट, 20 फीट, 24 फीट, 22 फीट, एक किस्म के रास्ता ही कर ले बनी। बिहान 10 फीट के, 12 फीट के रास्ता ही कली, भगवान मत कर वैसन का कुछ हो के दमकले ले जाए के पड़े, कुछो ले जाए के पड़े। जी जी जी। तो चाहिए ना वैसन का, जब हमने के पूर्वाधार विकास जब करत जाता नहीं सर, नेपाल सरकार के नीति नियम बाकी पूर्वाधार विकास करे के, तो नीति नियम अनुसार से काम कर जाम कीजिए, ताकि आवे वाला जनरेशन भी कहे जो हाँ यहाँ विकास भइल बटे, आ रोड नाला के विकास भइल बटे, चौड़ा भी बटे, उसे देखे में भी तनका बढ़िया लगे, वो किस्म के विकास अपना वार्ड में कैले। यानी कि शहर ऐसा, जी जी, शहर ऐसा लौके कह के, खास करके अब तो महानगर पालिका के वार्ड केहू भी कहला, लोग गाँव के जनता लोग अभी भी कहला कि महानगर पालिका के सुविधा हमनी लगे नहीं खेल, सिर्फ कर ही कर लदा गई बा। खास करके पछिलका दिन में जैसे वड़ा कार्यालय में ही गईला पर बहुत हरेक काम के कर लगावल गई बा, कर के बारे में रौरा का कहम, खास करके जनता के कहना हम सही हो कि उतना देवल उचित बाटे जितना कर अभी उठा रहल बा महानगर पालिका। अब महानगर पालिका पहले तो जौन हमनी के कर के बारे में जौन अथी कैले ओकरा के तो बहुत ये आर्थिक वर्ष में तो कर के दायरा बहुत घटौले नहीं बानी जन हमनी के, सब चीज में अपने मालपुत में, जैसे अपने के व्यवसाय कर में, जैसे जौन जौन कर रहे उनमें बहुत तरह से हमने कर के पहले तो रहे स्तर से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ओकरा के फिर हमने के न्यून में लिया के, न्यून कथी मन मध्य वर्ग में उगौले बन से देखल जाम, कर भी ना उठी तो पूर्वाधार विकास ना हुई, कर भी तो चौधे करी जौन जौन चीज के बाद कर, लेकिन उतना कर ना उठाऊ जितना उठे गए हमने कर के दायरा जैसे कि खास करके अब कर के बारे में बात कर जाओ तो महानगर के शहरी वड़ा बनावे के खातिर अभिन भी लगभग गांव के कौ बरस तक ले लाग जाए, कितना दिन तक जनता के देवे के पड़ी जनप्रतिनिधि लोग की, जनप्रतिनिधि एक आर्थिक वर्ष और एक पंचवर्षीय योजना जौन होला न। जी जी। उ जाके हुई तब जाके अब देखल जाम का बा, नेपाल सरकार की नीति इति बटे, महानगर पालिका कितना करू, केंद्र सरकार के आज तक ध्यान नहीं के घूमत की 11 गो जोन गावी से बटे, गावी से हमनी के महानगर पालिका देनी सुन उनमें कहाँ बा, आज तक ले हमनी के 50 लाख जोन मतलब 60 लाख बजट मिलता, जैसे हमनी के 2-3 गो खंडीकरण में करके हमनी के बजट विनियोजन कैले बनी सन महानगर पालिका से, केंद्र सरकार के कम से कम ताके के पड़न न महानगर पालिका के 11 गो वार्ड में जे वहाँ के रोड नाला नहीं थे, अपने के सदर मुकाम अगर पूरे खतरा अगर कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस आवती आवती वो नहीं रहा, संघीय सांसद लोग के भी तो इमे पर ध्यान दे, जोड़े खतरा संघीय सांसद लोग के, प्रदेशिक सांसद लोग के, सब लोग के दायित्व चाहिए की हमनी के जोड़ल जाम 11 गो गाड़ी समय कसके ध्यान देवे के पड़ल। हम रेडियो के मार्फत से हम कहे के चाहता नहीं संघीय सांसद हो गए चाहे प्रदेश सांसद हो गए, सब सांसद लोग कम से कम उन्हें ध्यान दो, 11 गो गावी सके उन्नति करो, ना तक सिर्फ एगो महानगर पालिका के बजट से कल जाऊना अपुग बाटे विकास निर्माण जी, जैसे कि गांव के जनता लोग खास करके
विभिन्न किसिम के विकास चाहे भौतिक निर्माण आ भौतिक संरचना के विकास तो सबके प्राथमिकता में बढ़ले बाटे। वही तरह गांव के जनता के वास्तविक रूप में वो लोग महानगर पालिका में बा, कितना लोग के तो था ही नहीं है कि अभी हमने महानगर पालिका में मानी सन। अब जैसे बिना पढ़ल लिखल आदमी भइल या फिर कहना कि उकरा उतना जानकारी कम बाटे, वैसन लोग के उत्थान के खातिर ये भौतिक संरचना के बाद भी और कौन कौन कार्यक्रम बाटे, जैसे कि विभिन्न तालीम वालीम भइल, महिला बाल बालिका दलित लोग के विकास, महिला बाल बालिका के तालीम भइल, सिलाई कटाई के तालीम भइल, और बौद्धिक स्तर बढ़ावे खतरा अपने के, जैसे हमने के एकरा पहले हम एथी भी कार्यक्रम लागू औषध न्यून करे खतरा, अपने के बाल विवाह करे खतरा, वैसन कार्यक्रम भी स्टेज लगा के प्रशासन के बुला के सड़क नाटक करवा के वैसन भी काम अपना वार्ड में हम कैले बानी। भौतिक विकास बढ़ो, दिशा पिशाब के रास्ता में ना कैल जला, कैला से का होला, सबके भी ध्यान प्रसन्न हम दिले बानी अपना वार्ड में, सब भी काम कैले बानी। खास करके अब दोसर बात तक अपने के रेडियो संगीता के मार्फत भी कहे रेडियो शान भी जी हम भी कहे के चाहतनी कि हमर जोन तलब भत्ता जोन मिलेला, जैसे पहले भी तलब भत्ता मिले रहे, तो हम अपना जनता से भी देखा के रेडियो में भी एगो हमर इंटरव्यू भई रहे, तो वहां से भी बतौले रहनी जितना तलब भत्ता मर मिले सब जनता में हमर खर्चा वाला। अभी की जैसे तलब भत्ता वत्ता सुविधा जोन मिल ओकरा से रिंग सेफ्टी अपने के कॉल हलावेला कार्यक्रम हम कर रहा है, अपन पैसा अपन जोन मिलर ला हमरा ओकरा से जनता में खर्चा कर दिन जनता के पैसा के उठावल कर उ ना चाहिए हमरा जनते में खर्चा होला। एकरा के अपने सर्वे करे कोई बात तो कहीं ना कहीं टेप होते हुई जी 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 रिकॉर्ड बा पूरा फेसबुक पर रिकॉर्ड बा, बाद में यूट्यूब पर भी रही स्थलगत निरीक्षण करके भी देख सकते हैं जो वास्तव में कहीं कोनो पन्ना में कोनो रिकॉर्ड के माइनिंग ना हुई शंभू मिश्रा के अपन पर्सनल तलब भत्ता पाइल पैसा से सब करा रहा है। जैसे कि एगो समस्या का देखल गई बा, अब अपने के वार्ड में कैसन बा से बात नहीं के वो बात अपने बताएं जरूर का बाकी पछिलका दिन महानगर पालिका ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता जो रहे उ संबंधित वड़ा के लगे के बैंक में खाता खोल दिलक, अपने के वड़ा के भी लगे खाता, लेकिन बहुत वड़ा में अभी तक ले भी भत्ता वितरण होके नहीं के सकल, अपने के वड़ा में कैसन अवस्था बा भत्ता वितरण? हमरा वड़ा में खाता होता सब खुल गई, हम तो ऐसा कैले रहनी कुमारी बैंक में जैसे ड्राइव पोर्ट हमर बा जी जी, तो बैंक के उठा के ले जाके अपना वार्ड में बैठा के घर में ही बैठा के सब लोग से खाता खोलवाई, खोलवा के लिया के दे दे बनी हमर कार्ड आज चल गई बयान से सब लोग के कार्ड वितरण करें, आ वितरण करके लगभग लगभग हमनी के खाता में पैसा चल गई बा, होली से पहले पहले सब जनता के हम पैसा बटवावे के एकदम। जैसे कि अब क्रिया साल तो 8 महीना हो गई, आजे जनता लोग ग्रामीण क्षेत्र के भेटाई ला हमरा तो कहत लख लोग 8 महीना से हमनी के भत्ता ना मिलल, दुख ठीक बटे वहां थोड़ा सा ढिलाई भइल बा, यहां बुझल गइल एकदम ढिलाई भइल बा, लेकिन हम एने तातुतरा के साथ हम मतलब मेहनत करके चाहे जैसे भी लगभग लगभग हमर काम अंतिम चरण में बा, अब हमरा वार्ड के जनता के पैसा लगभग होली से पहले पहले हम पैसा दिलवाऊ कोशिश कर, यानी कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब सामाजिक एकल महिला अपांग सबके विधवा भत्ता वृद्धा भत्ता टोटल जी 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 जी। जैसे कि खास करके पछिलका दिन में महानगर पालिका के वड़ा कार्यालय के बात कर जाऊं, तीन गो चार गो वड़ा के खातिर एक जने अमीन एक जने सुपरवाइजर ये सब देवल गई अवस्था बाटे, कर्मचारी के अभाव लगभग बा, अपने के वड़ा में शायद 3-4 गो वड़ा के अमीन साहब भी बैठे नी है कि ना जी बैठे नी। खास करके ये 4 गो वड़ा के कौन कौन कर्मचारी अपने के वड़ा में अवेलेबल बा लोग, जैसे जनता के भी थोड़ा सा जानकारी दे दी कि वो लोग काम लेके वहाँ जा सकता या फिर फोन करके वो लोग के घरे बुला के काम करा सकता। जैसे हमारा वार्ड में उदयपुर घुरमी पड़ल 27 नंबर, अपने उन्हें परवानीपुर पड़ल 21 नंबर, एने हमारे 26 नंबर, लगभग 3 गो वड़ा के हमारा वार्ड के में अमीन देले बटे काम करे के जी, एगो 30 नंबर वड़ा भी बा, हाँ 30 नंबर भी बटे, 4 गो वार्ड भी बा जी, 4 गो वार्ड देले बा, 30 नंबर भी बटे हमारा वार्ड में जी।
जी सिर्फ अमीन साहब एगो बानी है कि ना? अमीन साहब एगो बानी, अधिकृत एगो बानी हमारा वार्ड में। जी जी हाँ, तो अभी अधिकृत खाली 27 नंबर में बैठे, तनी 26 नंबर में हमारे जने नासू बानी वहाँ के ही दुगो वार्ड के एगो अधिकृत बाटे लोग दुगो वार्ड बानी, लेकिन अभी लगभग लगभग हमारा वार्ड में अधिकृत नासू ही चला होते हैं, उन्हें कारभार दे हुआ बात है, क्योंकि दुगो वार्ड से एक अधिकृत देख के दुगो वार्ड में जम चना छिटल वाला काम जैसा होगा तो नहीं खेल संभव। जी जी, कर्मचारी के बहुत अभाव बाटे महानगर पालिका बोर्ड में, अपने लोग कह नहीं लानकी ना, जैसे कि खाता खोल के अकाउंटेंट अपने लोग के चाहे सुपरवाइजर चाहे इंजीनियर चाहे बड़ा कार्य लेके जो चाहिए हमने के जैसे तो मेयर साहब का कहेंगे तीन गो चार गो वार्ड में हमने के इंजीनियर ओवरसियर सब देले बटे उसे काम चलता थे अभी, लेकिन खास करके हम कहते नहीं इतना जब महानगर पालिका हो गई तेमे तो कम से कम जनशक्ति तो चाहिए ना, जनता काम करेगा, जनता से तो गाड़ी न सुन पानी समझ के जनशक्ति कहाँ पूरा होकर सकता है। जैसे कि बोर्ड में अपने लोग बात उठावे नहीं लन कि ना, कि खास करके जनता के ये सब सेवा चाहिए वार्डे में, जैसे कि अपने लोग के खाता खुल जाए के चाहिए वार्डे में सब संबंधित, जैसे कि बजट के पैसा लेवे के रहला तो महानगर पालिका धावे के बाटे सिचुएशन अभी तक भी। वो तो सारा मांग हो करला, लेकिन अब धीरे धीरे सब होते बा काम, अब कर्मचारी लोग देखी का बाकी सब जगह संघ संगठन यूनियन दुनिया दमना सब लोग यूनियन के चलते अब उनकर शुरुआत भइल तो उन आगेलन उन्हें से सोर्स फोर्स दुनिया दवाना लगा के, लेकिन ई लोग नहीं के बुझत कि नेपाल सरकार के एगो हमनी सिपाही अइसन, हमनी के 10 to 5 काम करे के बाद जनता के सेवा टेवा पुरियाओ के पर कह के लगभग लगभग लोग में थोड़ा सा ना कहीं से ना कहीं कंजूसाई तो बाटे में, थोड़ा सा लापरवाही भी बा, लापरवाही बा कंजूसाई बाटे, तो ऐसा ना होके चाहिए जब नेपाल सरकार के हम नियुक्ति ले ले बनी सब कुछ कैले बनी तो 10 to 5 से ड्यूटी करे के पड़ल। जी जी, यानी कि कर्मचारी लोग के थोड़ा सा समस्या के चलते कर्मचारी के अभाव बा, ओकरे फायदा भी अन्य कर्मचारी उठावे ला लोग, एगो सत्य बात हो गए। और खास करके हम अंत में बानी सन समूह सर, अंत में वार्ड के जनता के महानगर पालिका ला कति संदेश छोड़े? हम वार्ड के जनता लगे ये संदेश छोड़े के चाहत नहीं, हमरा वार्ड में अगर कौनो ही जनता के कौनो जैसे असुविधा होता थे, मतलब कहीं बीमारी हो गई, कहीं जाए के पड़ गई, हमर आवश्यकता पड़ गई, तो हमर 24 hours हमर मोबाइल खुला रहेला, हमर जनता 24 hours हमरा के आह्वान कर सकता, ओकरा काम में एकदम 24 hours हम लागे के चाहें। और अंत अंत में ये कहे के चाहें कि हमनी के महाशिवरात्रि आवता होली आवता थे, ओकरा के अपना वार्ड के जनता के महाशिवरात्रि के होली के अपना तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देवे के चाहत नहीं हूँ। जी बड़ा आदरचू, बेस्ट समय के बावजूद भी कार्यक्रम में अइनी एकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से प्रस्तोता राम मंडल के तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद बा। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। वारणीय बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 26 के वड़ा अध्यक्ष शंभु मिश्र खास करके वड़ा के विकास निर्माण के बारे में समस्या के बारे में बातचीत कैनी है। सर आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बाटे, बिहार फिर से दोसर अतिथि दोसर विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर कार्यक्रम स्थानीय सरकार लेके उपस्थित होके के वादा करता नहीं सन, अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत, कार्यक्रम प्रस्तोता राम मंडल के विदा दी, सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 MHz।